हेलो, करें प्रारंभ करें। जय श्री ओम नमः सिद्धि। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे चिदे। वंदित्तु सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोवं गतिं पत्ये वोक्षामि समय पावन मीणमूषुत केवली भणिदम। इस भवतरु का मूल दिक जानहु मिथ्या भा ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपा करिए मोक्ष उपा। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। सातवां अधिकार है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण पर अपना नियमित क्रम में विचार चल रहा है। चौथे भेद पर अपनी चर्चा चल रही थी, उसका नाम इस प्रकार किया है यहाँ पर धर्म बुद्धि धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। उसका नाम व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि रखा। जिस जीव को असली व्यवहार की खबर नहीं है और व्यवहार के आभास का जो श्रद्धा नहीं हुआ है वो व्यवहाराभासी है। बात पकड़ में आई आपको क्या? जिस जीव को व्यवहार की खबर नहीं है और व्यवहार के आभास का श्रद्धा नहीं हुआ है वह व्यवहाराभासी है। धर्म बुद्धि धर्म धारक यह नाम इस प्रकार पड़ा कि यह जीव कुल अपेक्षा धर्म को नहीं धारण करता, यह जीव देखा देखी धर्म को धारण नहीं करता। इस जीव का धर्म को धारण करने के पीछे उद्देश्य या धर्म के अंगों में प्रवर्तने के पीछे इसका उद्देश्य मात्र आत्म कल्याण की भावना है, सुखी होना चाहता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि क्यों है? क्योंकि यह जीव अभूतार्थ धर्म को साधता है। क्या लिखा है टोडा मजी साहब ने यहां पर? यह जीव अभूतार्थ धर्म को साधता है। अभूतार्थ मतलब जो धर्म नहीं है उसका यह धर्म मानकर उसमें प्रवर्तन करता है ना। तो क्या धर्म नहीं है कि आदम में व्यवहार अपेक्षा से बहुत सारे मंद कसाई के परिणामों को धर्म कहा है। कहां कहा है? आगम में व्यवहार की अपेक्षा से बहुत सारे मंद कसाई के परिणामों को, दया के परिणामों को, दान के परिणामों को, व्रत के परिणामों को, तीर्थ यात्रा के परिणामों को,
मंदिर बनाने के परिणामों को, है ना, प्रतिमा विराजमान करने के परिणामों को क्या कहा है? उपचार से उसे धर्म कहा है। और यह धर्म बुद्धि धर्म धारक व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि उस कथन को उपचार न समझकर परमार्थ मानता है। क्या गड़बड़ी कर दी इसने भाई साहब? क्या गड़बड़ी कर दी? बस इतनी गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी कर दी कि कथन तो कहा था उपचार से, है ना, और इसने माना क्या? परमार्थ। जो उपचार के कथन को परमार्थ मानकर उसमें प्रवर्तता है, तो टोडरमली साहब ने यहां सुंदर शब्द लिया। क्या शब्द लिया? कि वह अभूतार्थ धर्म को साधता है। क्या शब्द लिया टोडरमली साहब ने? अभूतार्थ। अभूत अने जो वास्तव में धर्म का साधन नहीं है उसी को यह साधन मानकर प्रवर्तता है। अब एक कॉमन सेंस की बात है, लॉजिक लगाए कि जिस चीज का जो वास्तविक साधन नहीं है उसको यदि आप साधन मानकर कितने काल तक प्रवर्तोगे कि आपको लाभ हो जाएगा? बोलो क्या कह जाओ सर? जैसे आपको पेट का दर्द है और आप एक ऐसी औषधि ले रहे हैं जिसमें पेट के दर्द को ठीक करने की क्या बोलते हैं गुण ही नहीं है, कितने काल तक आप लोगे तो ठीक हो जाएगा पेट का रोग? बोलो भाई कितने काल तक हो जाएगा ठीक? नहीं होगा ना, कभी नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जो उपचार से धर्म कहा है, दया दान पूजा व्रत भक्ति, इन परिणामों को जो जीव धर्म मानकर बैठा है और उसमें प्रवर्तता है और ये मानता है कि मैं धर्म कर रहा हूं, या इन भावों से कालांतर में मेरे धर्म प्रकट हो जाएगा, वो समझ लेना अभूतार्थ धर्म को साधता है। कभी भी उसकी परिणति में धर्म प्रकट होने वाला नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? अब जब इतनी बात समझ में आ गई तो तुरंत इसका एक प्रश्न खड़ा होता है, तो साहब फिर ये भाव नहीं होने चाहिए क्या? बाबू सबसे बड़ी बात तो ये है, क्या भाव नहीं होने चाहिए? तो अभी यहां टोडरमली साहब इस पैराग्राफ में बहुत सुंदर तरीके से उन भावों को क्या अभिप्राय में रहना चाहिए, भाव क्यों होते हैं, असली पुरुषार्थ क्या है, ये सब अभी यहां स्पष्ट करेंगे। टोडरमली साहब निकालिए पेज नंबर 234 234 मिल गया आपको? 234 नहीं 234 नहीं 235 234 का तो अंतिम पैराग्राफ पढ़ लिया था ना अपन ने उस दिन, ठीक है 235 मिल गया सबको? चले अपन देखो क्या कह रहे हैं यहां पर। कितने ही जीव भक्ति को मुक्ति का कारण मानकर जानकर वहां अति अनुरागी होकर प्रवर्तते हैं। मिल गई पंक्ति? मिल गई? क्या लिखा है यहां पर टोडर भाई साहब ने? कितने ही जीव में से कौन जीव लेना है यहां पर? कौन जीव लेना है इस अधिकार के अंदर बाबू जी? हाँ, इस अधिकार के अंदर जैन मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। किसकी चर्चा चल रही है जावा साहब? इस अधिकार के अंदर जैन मिथ्या दृष्टि। बहुत सारे जैन, और इसको और अगर अपन शार्प करें, बहुत सारे क्योंकि श्वेतांबर जैन तो कहां लिया? पांचवा अधिकार में, वो तो अन्य मत में। दिगंबर जैन में बहुत सारे जो जीव धर्म में अनुराग करते हैं, धर्म में प्रीति है, जो धर्म में प्रवर्तते हैं, ऐसे जीव की अंदर में क्या मान्यता है, टोडरमली साहब ने उसका यहां क्या है स्पष्टीकरण किया है। उसमें से अधिकांश जीव यह मानते हैं कि भक्ति से मुक्ति हो जाएगी। क्या मानते हैं? कौन मानते हैं? देखो अन्य मति तो है नहीं, श्वेतांबर है नहीं, अपनी तो बात चलती होगी दिगंबर संप्रदाय। दिगंबर संप्रदाय में जो जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहा है, व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है,
तीर्थ यात्रा कर रहा है उसके अंदर में यह अभिप्राय चल रहा है कि ये पूजा करने से मेरे को मुक्ति हो जाएगी, मेरे जो भक्ति का भाव है इससे मेरे को मुक्ति हो जाएगी, ये जो मेरे दान का परिणाम आया इससे मेरे को मुक्ति हो जाएगी, ऐसा मानने वाले बहुत है कि नहीं कह सकते है। तो साहब क्या गड़बड़ है, प्रेरणा तो दी है आचार्य ने कि आपको पूजा करनी चाहिए, आवश्यक डाला है कि श्रावक की आवश्यक है, और आप कह रहे हो उस भक्ति को मुक्ति मानते हैं। तो देखो यहां पर आचार्य देव ने पूजा आवश्यक कहा है, ये बात तो नक्की है, लेकिन आचार्य देव ने पूजा को धर्म जो कहा है उसकी अपेक्षा क्या है ये भी समझना है। क्या कह रहा सर, क्या सट आवश्यक है, पूजा आवश्यक है, लेकिन और पूजा को किस अपेक्षा धर्म कहा है ये भी समझना है। और जहां आचार्य भगवान ने पूजा के परिणाम को आश्रम बंद कहा है वो भी समझना है, ये बात भी तो आचार्य भगवान ने कही है। क्या बात पकड़ में आई आपको, क्या बाबू जी, क्या आचार्य भगवान ने दया के परिणाम को भी धर्म कहा है? ओके, आचार्य भगवान ने दया के परिणाम को आश्रम बंद कहा है ये भी ओके, आचार्य भगवान ने इस जीव को पूजा करने के लिए कहा कि आवश्यक है करना चाहिए ऐसा कहा है ये भी ओके। जब इतने सारे आपके पास आगम के अंदर कहे गए वचन है तो उनका सही अर्थ तो आपको आना चाहिए, अपेक्षा समझनी तो चाहिए है सर, अपेक्षा तो समझनी चाहिए। यदि मैं सीधा ही निषेध कर दूं क्या कि नहीं पूजा में आचार्य देव ने ये धर्म नहीं कहा है, तो भाई कहा है व्यवहार अपेक्षा से, उपचार से कहा है, तो उपचार क्या है ये समझना पड़ेगा आपको। क्या अपने दिगंबर संप्रदाय में कितने ही जीव क्या मान के बैठे हैं बाबू जी, भक्ति से मुक्ति होती है, ये तो हो गए जिन जीवों ने कभी सुना नहीं। अब मैं तो आप यहां सभा में बैठे हो उनसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि भक्ति से मुक्ति हो जाएगी, पूजा से मुक्ति हो जाएगी, दया के भाव से मुक्ति हो जाएगी, व्रत के भाव से मुक्ति हो जाएगी, ये बताओ मेरे को, तीर्थ यात्रा के भाव से मुक्ति हो जाएगी, आप अपने अभिप्राय में टटोलो कि आप लोग क्या मानते हैं, क्या मानते हैं कजाव साहब। नहीं मानता, अच्छी बात है, सुन करके बिल्कुल पक्के हो गए, एक तो पक्का बाबू जी वो हो जाता है जैसे वो मिट्टी का घड़ा है ना अग्नि में पक जाता है तो अब उसमें टिकड़ी नहीं लगती, ठिकड़ा नहीं लगता, क्या बोलते आप, क्या जो घड़ा अग्नि में पक जाता है उस पर ठिकड़ा नहीं लगता, हमारे अंदर ऐसी कहावत चलती थी, आपके यहां पर भी चलती होगी ना बाबू जी, जो घड़ा मिट्टी में पक जाता है उस पर क्या होता है ठिकड़ा, ठिकड़ा मतलब अब उसमें कोई हेड अमेंडमेंट नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार अब 50-60-70 वर्ष के जिस लोगों ने जो मान्यता करके पक गए हैं, अब आप उसपे कितनी भी आप ऊपर से लिपा पोती करो वो तो धर्म माने गई, दया दान पूजा व्रत के परिणाम को उसमें क्या ठिकड़ा लगेगा है, ऐसा तो नहीं है। ये पैराग्राफ बहुत मार्मिक है, आप बहुत शांति से बहुत बहुत मतलब मध्यस्थ भाव से इस बात को विचार करना, टोडरमल जी साहब ने बहुत सुंदर बात कही इस पैराग्राफ। पहले क्या कहा, अधिकांश जीव कितने ही जीव क्या मानते हैं भक्ति से मुक्ति होगी, ठीक है। देखो भक्ति करने का निषेध नहीं किया है आपने, ठीक है, अभी कुछ इस पंक्ति में क्या कहा, भक्ति से मुक्ति होगी ऐसी उनकी मान्यता है, मान्यता है मतलब उनके अभिप्राय में ऐसा पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी उसकी बात है, भक्ति होनी ही नहीं चाहिए, भक्ति करनी ही नहीं चाहिए, ऐसा कोई यहां टोडर मल्ली साहब ने कथन नहीं किया, क्या कहा है कितने ही जीव भक्ति से मुक्ति मानते हैं, ठीक है। ये पहली पंक्ति में बस इतनी सी बात की, अब आगे क्या गड़बड़ है वो अभी समझाएंगे। वह तो अन्य मति जैसे भक्ति से मुक्ति मानते हैं वैसा ही इनके भी श्रद्धान हुआ, क्या कहा दूसरी पंक्ति में, श्रद्धान
एक अपने दिगंबर संप्रदाय को छोड़कर बाबूजी बाहर में अन्य जितने भी संप्रदाय है सब में भक्ति है और सब में सबने भक्ति से मुक्ति मानी। क्या कह रहे हैं? आपने भी भक्ति से मुक्ति मानी है और उन्होंने भी भक्ति से मुक्ति मानी है, ठीक है। अब क्या अंतर है दोनों की मान्यता में? अभी आप छोड़ो कि आपके सामने वितराग परमात्मा है, उनके सामने अन्य देवी देवता है, उसको छोड़ो। अभी आपकी मान्यता कि आप जिनकी पूजा कर रहे हो, जिनके प्रति आपका गुणानुवादन राग भाव आ रहा है, आपने अभिप्राय में क्या मान रखा कि इस परिणाम से मेरे मुक्ति हो जाएगी, और अन्य मति ने भी ये मान रखा है कि मैं जो भक्ति कर रहा हूं इससे मेरे को मुक्ति हो जाएगी। तो आपकी मान्यता और अन्य की मान्यता में क्या अंतर है? और कोई अंतर नहीं है तो फिर उनकी और अपनी मान्यता एक जैसी हो गई? ये बता, क्या अंतर है अन्य मति और अपने में? क्या अंतर है गजाव साहब? तो अपने और उनमें भक्ति में कथन में अंतर नहीं है? है। हमारे यहां ज्ञानी जन के जो भक्ति होती है उनके अभिप्राय में भक्ति को मुक्ति का कारण नहीं मानते हैं, और अन्य मति भक्ति को ही मुक्ति का कारण मानते हैं। इतना अंतर है। कितना अंतर है? हाँ, जैन मति भी, वो तो बाहर हो गए ना बाबूजी। जैन मति जो जैन मति माने वो मिथ्या दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि के तो प्रकरण चल रहा है व्यवहारवासी। जो जैन दिगंबर जैन ऐसा मानता है क्या कि भक्ति से मुक्ति हो जाएगी, तो वह धर्म बुद्धि धर्म धारक व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि है। ये है सही बात है, क्योंकि उसी की श्रद्धा की चर्चा चल रही है। तो सब भक्ति से मुक्ति नहीं होती है? नहीं। कहा सब भक्ति से मुक्ति होती है कि नहीं, एक बात। दूसरा, भक्ति होनी चाहिए कि नहीं? दूसरी बात। ज्ञानी के भक्ति होती है कि नहीं? तीसरी बात। तीन बातें हो गई क्या भाजी? भक्ति से मुक्ति हो, देखो बहुत सारी बातें हैं आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर। पहली बात तो यह है कि भक्ति से मुक्ति होती है कि नहीं, पहले तो ये नक्की कर। भक्ति से मुक्ति होती है कि नहीं, पहले तो ये नक्की करो। दूसरा, भक्ति ज्ञानी के भक्ति का भाव होता है कि नहीं, ये नक्की करो। तीसरा, आचार्यों ने भक्ति करने की प्रेरणा दी, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, ये नक्की करो। चौथा, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के बाहर में भक्ति के भाव पाए जाते हैं, तो आपने एक को ज्ञानी कह दिया और एक को अज्ञानी कह दिया, ये बताओ। आपने तो इतना ज्यादा उसने विस्तार कर दिया है। क्या कितनी बात समझ आई आपको? क्या बात है? पहली बात तो क्या है कि भक्ति से मुक्ति होती है कि नहीं, और आगम में यदि भक्ति की प्रेरणा दी है और नहीं भक्ति से मुक्ति भी कहा है तो उसका क्या अर्थ समझना, ये बताओ। इससे अभी तो भाव भक्ति से मुक्ति होती है कि नहीं उसकी बात चल रही है। पहली बात क्या चल रही है? भक्ति के भाव से मुक्ति होती है कि नहीं? नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है, ये आपको आना चाहिए। और आगम में यदि उपचार से कथन किया गया है तो किस अपेक्षा है, इसका अर्थ आपको बराबर आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो, डॉक्टर मलिक साहब ने यहां इस बात को स्पष्ट किया। सबसे पहले भक्ति का भाव क्या है वो समझा रहे हैं, परंतु पहली दो पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया? पहली दो पंक्ति का अर्थ, यदि आप भक्ति से मुक्ति मानोगे तो आपकी मान्यता अन्य मत में जिस प्रकार अन्य जीवों की पाई जाती है वैसी ही रही, ठीक है। अब भक्ति का जो भाव है उसके संबंध में टोडर मल्ली साहब कह रहे हैं, परंतु भक्ति तो राग रूप है और राग से बंध है। लो क्या कहा, क्या कहा टोडर मल्ली साहब ने? भक्ति का भाव राग रूप है और राग का भाव बंध का कारण है। पूजा का भाव क्या है बाबूजी? राग भाव है
और पूजा के भाव से क्या होता है, बंद होता है, और तू बंद को मुक्ति मान रहा है, ये गड़बड़ है। कितने लोगों को समझ में आ गई ये पंक्ति? क्या पूजा के भाव कौन सा भाव है? राग भाव। राग भाव मतलब धर्म भाव नहीं है। आई बात है? हाँ, पूजा का भाव क्या है? धर्म का भाव नहीं है। क्या है गजराज साहब? राग भाव है। राग है मतलब आश्रव है, राग है मतलब बंद है, और तू बंद के भाव को मुक्ति का भाव समझ रहा है, तो ये मिथ्या है। क्या अभी एक बात समझ में आ गई ना आपको? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले समझ में, राग क्या है? राग क्या है? हाँ, आश्रव है। राग क्या है? बंद। जिस भी भाव से बंद होता हो, जिस भी भाव से बंद होता हो, वह धर्म का भाव नहीं है, क्योंकि धर्म के भाव से बंद नहीं होता। ये आप अच्छे से समझ लो। कितनी बात समझ में आई? इसलिए गुरुदेव श्री नकारा करते थे बहुत बार कि जिस परिणामों से तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद होता हो, वह परिणाम आश्रय करने के लिए नहीं है, वो है उपादेय नहीं है। आई बात समझ में? क्या कितनी सरल बात है, कितने लोगों को समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल बात है। आप थोड़ा सा अपने उपयोग को एकाग्र करके पकड़ोगे तो बात पकड़ में आ जाएगी। अनादि से ये गुत्थी अपनी सुल्ली नहीं है बाबू। इस पंचम काल में महाभाग्य है अपने को कि आचार्य भगवंतों की बात अपने को गुरुदेव श्री के माध्यम से यहां स्पष्ट हो गई। कोई उन्होंने कोई अपनी कल्पना से तो बात थोड़ी निकाली, ग्रंथ में लिखा हुआ है ना। देखो ये 250 वर्ष पहले लिखा हुआ है गजराज साहब, जब गुरुदेव श्री का जन्म नहीं हुआ था उसके पहले ग्रंथ लिखा हुआ है, और समाज ने उस समय उनको टोडरमल्ली साहब को आचार्य कल्प की उपाधि दी है। किसकी? ठीक है, इसमें तो कोई कांजी स्वामी का रोल नहीं है जो लिखी हुई बात। इन टोडरमल्ली साहब का लिखा हुआ और उनके हाथ से लिखा हुआ ग्रंथ सुरक्षित है। अभी ऐसा मत समझ लेना कि बाद में कुछ एड अमेंड, उनने उनके हाथ से लिखा हुआ ग्रंथ जो बाबू जी राजा के वश में था वो सुरक्षित है। अभी तो बहुत सारे सामान वो भंडारण में पड़े हुए हैं, यदि कोई आप निकाल सको तो उनने और क्या लिखा वो भी मिल सकता है। लेकिन आपकी इतनी पॉलिटिकल पहचान और कोर्ट कचहरी आप कर पूरा के लाए, पर ये तो सुरक्षित है मूल प्रति। इस ग्रंथ में जो लिखी हुई बात है ना बाबू जी, जैसे पीछे जो चिट्ठी है रहस्यपूर्ण चिट्ठी, वह भी सुरक्षित है उनके हाथ की लिखी, क्योंकि यहां से मुल्तान वालों को चिट्ठी लिखी थी। जब मुल्तान वाले वापस इंडिया में आए तो वो चिट्ठी यहां आ गई। पाकिस्तान में है ना मुल्तान गजराज साहब, तो वो चिट्ठी यहां आ गई और उस चिट्ठी को फिर सुरक्षित रख दिया कि भाई ये उनके लिखा हुआ। अब देखो दो बातें हैं, एक तो आप सीधा टोडरमल्ली साहब को डिनाई कर दो तो ये सब बात झूठी होगी। क्या गजराज साहब क्या होगी? टोडरमल्ली साहब को आप स्वीकार नहीं करो तो फिर उस बात का तो कोई आपका प्रमाण नहीं। अब टोडरमल्ली साहब ने जो बात कही है उन्होंने आचार्यों के प्रमाण लिए, तो अब आचार्यों के पास पहुंचो आप। अब आप उन आचार्यों को भी हटा दो, ठीक है, फिर आप अपनी मर्जी से जो मानना हो मानो, उसका तो कोई निकारा नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति ने, जिस जीव ने आपको आपके घर की जो निधि है वो बता दी, उसके प्रति आपको बहुमान आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताओ क्या कह जाओ साहब? जिस व्यक्ति ने आपको तो पता ही नहीं कि मेरे पास क्या माल है, आप तो दरिद्री बनकर घूम रहे थे, आपको मालूम ही नहीं था कि मेरे पिताजी मेरे लिए कितना संपत्ति रख के गए, और जिस भाई ने, जिसने ये बता दिया भाई ये तेरी संपत्ति है, तो आपको उसके प्रति बहुमान आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन अपने दिगंबर संप्रदाय में बाबू जी ऐसे हैं, लोग उनके का उनके नाम से बिना कारण विरोध कर रहे हैं। है क्यों विरोध कर रहे हैं? गांधी स्वामी का किसी को पता नहीं, बस हमको तो विरोध करना है। अरे भाई क्यों विरोध करना है ये तो बताओ? धर्म छोड़ा तो उन्होंने छोड़ा, आपने तो नहीं छोड़ा।
हाँ तो दिगंबर में जन्म हुए, दिगंबर वो श्वेतांबर में जन्म हुए और वो दिगंबर में आए, तो आपके धर्म में वो आए, उन्होंने थोड़ी आपको धर्म परिवर्तन कराए। नहीं आई बात समझ? जिन आचार्यों की बात, जिन आचार्यों की बात आप नहीं जानते थे, आपने अपने मंदिरों में शास्त्रों में रख के सिर्फ दर्शन करते थे, उन आचार्यों की बात उन्होंने आपको समझा दी, आपकी निधि बता दी, तो आपको बहुमान आना चाहिए है? देखो जीव कसाय के वसीभूत क्या क्या नहीं करता है? पक्ष की बुद्धि पड़ी कसाय के वसीभूत। सीधी बात है भाई, धर्म परिवर्तन उन्होंने किया, अपन ने तो नहीं किया भावजी, ठीक है। और हमारे धर्म की महिमा उन्होंने कुंड कुंड के गीत गाए, उन्होंने अमृतचंद के गीत गाए, उन्होंने उमा स्वामी के गीत गाए, उन्होंने नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के गीत गाए, उन्होंने अकलंग देव के गीत गाए, तो वो तो सब हमारे ही है। आई बात है कजा साहब, किन के गीत गाए? लेकिन उनकी बात से उन्होंने देखो कितनी सीधी बात कही है ना, थोड़ी सी आवाज कम कर दो, थोड़ी थोड़ा आगे वाला बिल्कुल, तो हाँ उधर से थोड़ा सा, हेलो हेलो एकदम बंद, हेलो हेलो बस हेलो। देखो आप है ना, मध्यस्थ भाव से धर्म सुनना, बहुत गहराई से विचार करना, मैं यहाँ जा जो कह रहा हूँ आपको बिल्कुल वैसा मानने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल विचार करना, विचार करने के बाद आपको जो सही लगे उसको स्वीकार करना, ठीक है। लेकिन पंथ बुद्धि और पूर्वाग्रह पड़ा होगा ना तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। धर्म बुद्धि धर्मधारक मिथ्या दृष्टि क्या करता है कि उसने भक्ति के भाव को मुक्ति का कारण मान लिया है। क्या कर रहा है इंदु बाबू जी? भक्ति के भाव को मुक्ति के कारण। अब भक्ति के भाव में क्या गिनना आप? जो भी राग का भाव, शुभ राग का भाव, वो सब भक्ति का, पूजा करने का भाव, दान देने का भाव, मंदिर बनाने का भाव, तीर्थ यात्रा का भाव, फिर व्रतों का भाव, ये सब परिणाम क्या है? मंद कसाय के परिणाम है। इसको उसने क्या मान रखा है कि ऐसा करूंगा तो मेरी परिणति में सुख आ जाएगा। इन इन भावों को जो वास्तव में आश्रव भाव है, इसने उस आश्रव भाव को उपादेय मान रखा है। क्या मान रखा है? उपादेय मान रखा है। इनके करते करते मेरी परिणति में धर्म प्रकट हो जाएगा, ये जो मान्यता है ये उसकी मिथ्या है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। मैं आपको बता रहा हूं, बाबूजी कह रहे हैं यहां बैठे हुए कोई नहीं मानता, और मैं कह रहा हूं यहां बैठे 90% यही मानते, ये है गड़बड़। कारण क्या है कि इस जीव को मंद कसाय के परिणाम में धर्म बुद्धि की जो पड़ी हुई है वो बहुत जबरदस्त वासना पड़ी है। अभी आपको मैं कह रहा हूं, जैसे उठने के बाद आप खड़े हो, अभी जैसे स्वाध्याय समाप्त हुई और जो पौना घंटा अपन ने चर्चा करी उसके संबंध में विचार करो, और जो विचार नहीं कर सकता वो 9 बार नमोकार मंत्र बोलो। यदि ऐसा बोल दो तो आप सब लगे 9 बार नमोकार मंत्र बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं, 9 बार नमोकार मंत्र बोलो, लेकिन उसमें आप ये मानोगे कि मैं धर्म कर रहा हूं और वहां विचार करूंगा तो इसको लगता है इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो विचार ही चल रहा है। अरे भैया विचार महत्वपूर्ण है। हाँ क्या, मंदिर में घुसते रटे रटाए पाठ बोल लेते, अरे रटे रटाए पाठ, भगवान के सामने आप भगवान को निहारो और उनके जैसे बनने का भाव करो, अपने जो मंद कसाय के भाव, दयादान के भाव, उससे भिन्न अपना जो आत्म तत्व उनके सन्मुख उर्द करने का प्रयास करो, तो उसको लगेगा मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो कोई पाठ ही नहीं किया, मैंने तो द्रव्य इधर से उधर नहीं चढ़ाया, तो आज तो मेरा धर्म नहीं होगा। अरे भैया उसका नाम धर्म नहीं है। हाँ? कितनी खुशी आती है आप दिनेंद्र भगवान को देखकर, उनकी वितरागता को देखकर, अंदर में कितना उत्साह आता है। शरीर से भिन्न पड़ने की कोशिश करो, राग से भिन्न पड़ने की कोशिश करो, एक समय की पर्याय से भिन्न करने, लेकिन इसको तुरंत फटाफट रटा रटाया बोलने का है, और उसको लगता है ये नहीं बोलूंगा तो भाव नहीं होगा। कितनी बहनें माताएं ऐसी है जो 2 पूजा नहीं करेगी तो उनको लगेगा मेरा धर्म नहीं हुआ। अरे भाई धर्म 24 घंटे चलने वाली चीज है। आई बात समझ क्या, कोई मंदिर में होने वाली चीज नहीं है,
मंदिर तो एक माध्यम है, वहां हम पंच परमेश्वरी भगवंतों के समय समक्ष वस्तु का विचार करते हैं। 24 घंटे राग से भिन्न पड़ने का प्रयास करो आप, वो असली पुरुषार्थ है। कितने लोगों के गले, आप सब अपने हृदय पे हाथ रख के देखना, आपको ऐसा लगता है मंदिर में तो धर्म है और घर में अधर्म है, ऐसा नहीं है बाबू जी? ईमानदारी से पूछो आप अपने से। बिल्कुल, आप एक दिन नक्की कर लो, आप लिख के दे देना प्रश्न, हम उसका समाधान कर दे, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो चाह ही रहा हूँ ऐसा, जितनी अच्छी चर्चा होगी बढ़िया है, नहीं तो मैं बोलूंगा और आप सिर्फ सुनोगे हाँ हाँ, उससे तो अच्छा ही तत्व चर्चा करें। वो ये सिर्फ 45 मिनट तक नहीं रहने देना, आप जब भी बाहर मिलो तो लौकिक चर्चा नहीं करके, अब मैंने ये पुरस्कार करा, आचार्य देव ने यहाँ ये बात कही थी, जैसे टेकचंद जी बाबूजी जब भी मिलते हैं देखो यहाँ आचार्य देव ने क्या कहा, यहाँ आचार्य देव ने क्या कहा, तो आप ये बात करो ना, उसने क्या गहने बनाए, उसने शादी में क्या दिया, उसने क्या खिलाया, क्या उसमें खोपड़ा खराब करना है, है? है? बोलो, क्योंकि आपको निरंतर क्यों अनादि का बाबू जी ये चल रही कुटे हो, इसके लिए उतनी ही ताकत चाहिए ही आपको मिटाने के लिए, बहुत बड़ी ताकत। हाँ, एक तो पहले नक्की कर लो कि ये भाव मुझे, मतलब मेरे को तो दादा की वो पंक्ति बहुत मानी जाती कि अब अपने को कोई उल्टी जगह अपना उपयोग लगा नहीं, क्यों पंक्ति है, लड़ना नहीं, नहीं लड़ना चाहिए हमारे हमको ये विवाद में पड़ना ही क्यों, मेरा मनुष्य भाव इस काम के लिए थोड़ी है क्या? हा? जिसके समझ में नहीं आई वो जाने, लेकिन जिसके समझ में आ गई वो तो ये कर सकता है। एक एक समय हमारा कीमती है। क्या सबसे बड़ी, मतलब ऋषभ जी भाई साहब, क्या राग में जो धर्म बुद्धि पड़ी हुई है वो सब खतरनाक है, पर्याय में राग है वो इतना खतरनाक नहीं है। क्या फिर से मैंने क्या कहा, पर्याय में जो राग है ये तो खतरनाक, लेकिन वो इतना खतरनाक नहीं है जितना उसमें धर्म बुद्धि पड़ी है वो खतरनाक। कितने के समझ में आ गई? अजीत भैया क्या वो खतरनाक है? क्योंकि वो मिथ्यात्व है, वो अनंत संसार का कारण है, और पर्याय में जो राग है अस्थिरता जन्य, वो तो थोड़े समय में समाप्त हो जाने वाला। ठीक है, बात समझ में आ गई? अभी देखो यहां क्या कह रहे हैं, परंतु भक्ति तो राग रूप है, भक्ति का जो भी भाव है वो कैसा भाव है? राग भाव है, और राग से बंद है। सीधा फॉर्मूला है क्या अजीत भैया, पर्याय में जो राग है चाहे वो शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, दोनों से आश्रव बंद है, और निद्रा किससे है? किससे? वीतराग भाव से। सरल है इसकी बात तो। इसीलिए मोक्ष का कारण नहीं है। लो अब आचार्य महाराज ने तो लिख दिया भक्ति से मुक्ति होती है, और टोडर मजी साहब कह रहे हैं कि भक्ति मोक्ष का कारण नहीं है, तो अब क्या सही है? हाँ बस इतनी बात कजावा साहब समझनी है, वो उपचार से कथन है और ये परमार्थ कथन है। क्या समझना है अजित भैया? वह उपचार से कथन है। उपचार से क्यों कहा? जिन ज्ञानी धर्मात्मा ने भक्ति को मुक्ति का कारण नहीं मान रखा है, उनके भी जिनेंद्र भाव के, जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति का भाव अस्थिरता के कारण पाया जाता है, तब आचार्य महाराज ने उस भक्ति को अंदर में वीतराग भाव का क्या उपचार करके उसको भी धर्म कहा है, लेकिन खरे खर वो धर्म है नहीं। क्या ज्ञानी धर्मात्माओं के भक्ति को मुक्ति का कारण कहा है? कजा साहब कहा है ना मुक्ति का कारण, तो क्या समझना कि उनकी भक्ति का भाव मुक्ति का कारण नहीं है? भक्ति का भाव तो राग का भाव है, लेकिन उनके
राग के भाव के साथ जो वितराग भाव चल रहा है वो मुक्ति का कारण है, और उस वितराग भाव का राग भाव में उपचार करके उसको भी मुक्ति का कारण कहा है। कितने लोगों को समझ में आ गई? कितने लोगों को समझ में आ गई? समझना मतलब निर्णय करके उसको स्वीकार करना, आई बात नहीं। तो साहब ज्ञानी की भक्ति क्यों होती है ये बताओ आप, जब वो जानते हैं क्या ऋतु बाबू जी जानते हैं क्या कि पूजा में धर्म नहीं, दया में धर्म नहीं, तीर्थ यात्रा में धर्म नहीं, दान में धर्म नहीं। वो पूजा भी करते हैं, दान भी देते हैं, तीर्थ यात्रा भी करते हैं, व्रतों को अंगीकार भी करते हैं, तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? क्या कह रहे हो? ये प्रश्न कॉमन है, सब लोग बोल रहे हैं। फिर ज्ञानी के क्यों होता है ये बताओ, क्यों होता है ये बताओ? जब मानते हैं उसको धर्म नहीं मानते तो क्यों होता है? हैं, गुरुदेव श्री पूरे जीवन भर बोले कि धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, और उन्होंने इतने सारे मंदिर बनवा दिए, इतने सारे पंच कल्याण करवा दिए, तो फिर ये क्यों करें ये बताओ? वो तो धर्म नहीं है वो भाव है। क्या बाबू जी धर्म नहीं है तो फिर? अभी इसमें बहुत सुंदर बात टोटल मंदिर साहब ने कही है, बहुत मार्मिक बात कही है ना। अपने पास अभी 5-7 मिनट है, देखो अपन इसका खुलासा करते हैं। जब राग का उदय आता है तब भक्ति न करे तो पापानुराग हो। क्या बाबू जी? दो स्थिति है, बड़ी बात। राग का उदय आता है और उस समय यह जीव क्या अगर भक्ति नहीं करे तो क्या करेगा? पाप में प्रवृत्त करेगा। और अशुभ राग छोड़ने के लिए ज्ञानी जन भक्ति में प्रवर्तते हैं। क्या करते हैं गजावस्था? क्या करते हैं? अभी एक बहुत सुंदर बात है, देखो देखो इसे मिटा देता हूं, बहुत मार्मिक बात है इसके अंदर, आप समझ। राग का उदय आया, ये बात टोटल मल्ली साहब ने कर्म के उदय की तरफ से कह दी। किसकी तरफ से कही बाबू जी ये बात? कर्म के उदय की तरफ से कह दी। अब जीव के भाव की तरफ से बात करते हैं कि जीव जब राग के उदय में यदि ये जीव शुभ राग और अशुभ राग, यदि राग का उदय है और जीव यदि शुभ राग रूप प्रवर्तन नहीं करता है तो नियम से अशुभ राग रूप प्रवर्तन करेगा। लेकिन ये कंडीशन कब है? ये कंडीशन कब है? पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण, ये ध्यान रखना। पुरुषार्थ की कमजोरी में राग के उदय में जीव यदि शुभ राग रूप प्रवर्तन नहीं करता है, सॉरी मतलब राग के उदय में जीव यदि राग रूप प्रवर्तन करता है तो वो पुरुषार्थ की कमजोरी है। क्या कहा तेजाव साहब? ये दोनों भाव है ना, पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण आते हैं, चाहे शुभ राग हो चाहे अशुभ राग। क्या तो पुरुषार्थ क्या है फिर? पुरुषार्थ क्या है कि राग के उदय में राग से न जुड़ना, ये वीतराग भाव रूप परिणाम होना, ये तो है असली पुरुषार्थ। क्या? लेकिन अब जो जीव राग के उदय में तीव्र राग के उदय में राग से भिन्न नहीं पड़ पा रहा है, इतनी उसकी पुरुषार्थ नहीं है, तो वो क्या करता है? उसके पास दो चॉइस रह गई, राग में तो जा ही रहा है तो अब किधर जाना? अगर वो शुभ राग में जाता है तो वो अशुभ से बचने के लिए जाता है, और भावना क्या है? राग से भिन्न पड़ने। बात पकड़ में आई क्या होता? क्या? इसीलिए आपने कहीं कहीं ग्रंथ में ये बात भी रही होगी कि उनके जो मंद कसाय के भाव आए बाबू जी, ठीक है, जैसे आप 5 पांडव की चित्र बना रहे हैं, आपने तीन जो 2 पांडव बचे उनने क्या हुआ, उनको क्या हुआ? कह जाओ साहब, राग आ गया। अभी अब राग जो आ गया,
राग तो बंद कसाएगा था, साधारण के प्रति का राग था, लेकिन आचार्य देववा कहते हैं कि वो पुरुषार्थ की कमजोरी थी। क्या थी? पुरुषार्थ की कमजोरी थी। तो था पुरुषार्थ की क्या कमजोरी? कि वो स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाए। यदि स्वरूप में स्थिर रह जाते तो वो भी मोक्ष चले जाते। अब पुरुषार्थ की कमजोरी में राग रूप प्रवर्तन हुआ, अब जो शुभ राग रूप प्रवर्तन हुआ तो वो उनका संसार देवगति में चले गए, और अशुभ राग रूप प्रवर्तन होता तो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषार्थ की कमजोरी के काल में पाप से बचने के लिए पुण्य भाव में प्रवर्तते हैं, लेकिन उनका जोर पुरुषार्थ को मजबूत करने के लिए राग को मिटाने का ही रहता है। इतनी बात समझ में आ गई बाबू जी? बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं समझ लेना कि ये बात अगर आप हटा दोगे तो खेल ही खत्म हो जाएगा। पाप से बचने के लिए धर्म पुण्य भाव में लगा, पाप से बचने के लिए नहीं नहीं, अभिप्राय में तो पाप पुण्य दोनों को मिटाने का भाव है, लेकिन मेरी कमजोर भूमिका है बाबू जी, क्या करना है। इसीलिए ये अशुभ से बचने के लिए शुभ में प्रवर्तन, ये बात टोटल मल्ली साहब ने कही। देखो पढ़ते अभी आपको पकड़ में आएगा। जब राग का उदय आता है, ये बात किसकी तरफ से कही? कर्म की तरफ से कही। जब राग का उदय आता है तब भक्ति न करे तो पापानुराग हो। इसीलिए अशुभ राग छोड़ने के लिए ज्ञानी भक्ति में प्रवर्तते हैं और मोक्ष मार्ग को बाह्य निमित्त मात्र भी जानते हैं। क्या क्या कहा जाए साहब? ज्ञानी धर्मात्मा क्या करते हैं? बाह्य निमित्त है। हाँ, ये निमित्त है बाबू जी, जिन्हें भगवान की भक्ति बाह्य निमित्त है, ये कोई धर्म का या मोक्ष मार्ग का कारण नहीं है, ऐसा भी जानते हैं। आई बात सब? क्या कह जाओ साहब? जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए बाह्य निमित्त के मैं मंदिर आया हूँ, मन कसाई के भाव से आया हूँ, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देखूंगा, उनके गुणों का विचार करूंगा, ये सब शुभ भाव है। ये काई के लिए कि जब मैं विचार करके इन भावों से भिन्न पड़ के अपने स्वभाव को पकड़ लूंगा तो ये मोक्ष मार्ग है और ये निमित्त है, और यदि नहीं पकड़ के उनको ही धर्म मानूंगा तो वो मिथ्यात्व है। खत्म। कितनी सरल बात है, कितने लोगों को समझ में आ गई? बाबू जी कितने लोगों को समझ जाए? देखो, जिन पूजा के भाव को, समय हो गया, पूजा के भाव को बाबू जी यदि आपने ये माना कि मंद कसाय के भाव है, जिनेंद्र भगवान के प्रति जो गुणानुवाद कर रहे हैं उनके स्वरूप की महिमा है, वैसा ही स्वरूप मेरा है, उससे भिन्न पड़कर आपने अपने स्वभाव को पकड़ लिया तो ये क्या है? निमित्त है, बाह्य निमित्त है। और पूजा में ही धर्म मानकर अनुराग बुद्धि से वहां अटके हुए हैं, ये करूंगा करूंगा तो मेरे को मोक्ष हो जाएगा, तो ये क्या है? मिथ्यात्व है। कितने लोगों को समझ में आ गई? अरे हाँ जी, हाँ जी, समय पूरा हो गया। कितने लोगों को समझ में आ गई ये बताओ? पूजा करने के काल में पूजा से भिन्न पड़ के जिनेंद्र भगवान के जो गुणानुवादन कर रहे हैं, ऐसा स्वरूप मेरा है, ऐसा स्वभाव मेरा है, ऐसी सामर्थ्य मेरी है, ऐसा मानकर अपने स्वभाव का आश्रय ले ले तो वो बाह्य निमित्त है, ठीक है बाबू जी? और पूजा के काल में उस पूजा से धर्म हो जाएगा, ऐसा पूजा के भाव से अनुराग भक्ति है कि इसको करूंगा और मेरे को मुक्ति हो जाएगी, तो वह मिथ्या। फिर से कल पूछूंगा मैं आपसे, यहां से फिर अपन विषय प्रारंभ करेंगे। कितना कठिन है, कितना सरल है? अरे हाजी अनाजी, बाह्य निमित्त और मिथ्यात्व, ये मैं कल पूछूंगा आपसे, ठीक है? साची तो गंगा ये वीत राग मानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी, साची तो गंगा ये वीत राग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, सप्त भंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी,
संत चित मृणाल वृंद रमे नित ज्ञानी, साची तो गंगा यह वीतराग वाणी। अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी। भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी, साची तो गंगा ये वीतराग वाणी। अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोक।